भाइयों बहनों, एक तरफ हम झारखंड के विकास के लिए समर्पित हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। लेकिन भाजपा का स्पष्ट मत है कि हम देश में एक एक घुसपैठिए की पहचान करेंगे। ये हमारे संसाधनों के साथ साथ हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और हमें जागना जरूरी है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र रक्षा जैसे विषय पर भी कांग्रेस और उसके साथी उनके मुंह पर वोट बैंक का ताला लग गया है, चुप है। अभी हाल में आपने देखा कि ईस्टर के पवित्र अवसर पर श्रीलंका में क्या हुआ, आतंकियों ने चर्च में, होटलों में बम धमाके करके सैकड़ों लोगों की जान ले ली। साथियों, आतंकवाद ऐसी चुनौती है जिसका बहुत कड़ाई से मुकाबला किया जाना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों की नीतियां ऐसी रही है कि वो आतंकवाद और नक्सलवाद को कुचल नहीं सकती। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे, सबके सब देंगे। आपने देखा होगा जो 8 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 8, वो भी अभी कपड़े सिलाई करवा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। जो 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कपड़े तैयार कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। जो 40 सीट लड़ रहे हैं वो भी कर रहे हैं। ये जितने चेहरे प्रधानमंत्री बनने की कतार में खड़े हैं, जरा एक एक चेहरे को याद करो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, जो भी हो, याद करो और मुझे बताओ इनमें से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत कौन रखता है, कौन रखता है? आतंकवाद से कौन भिड़ सकता है? आतंकवाद को खत्म कौन कर सकता है? और तो ये न समझे, मैं दुनिया के लोगों को कई वर्षों से कह रहा हूं, कोई ये मत सोचिए कि आतंकवाद तो अभी वहां आया है, कल हमारे यहां नहीं आएगा। ये श्रीलंका में देख लीजिए, ईस्टर का पर्व चल रहा था और आतंकवादियों ने चर्च में जाकर के हमले कर दिए। जिसको भी बचना होगा उन सबको आतंकवाद को खत्म करने वाली ताकतों के साथ आना ही पड़ेगा। कांग्रेस अब देशद्रोह का कानून भी खत्म करना चाहती है, यानी पत्थरबाजों, आतंकियों और उनके समर्थकों, नक्सलियों और उन्हें खाद पानी देने वालों को कांग्रेस खुली छूट देना चाहती है। लेकिन साथियों, भाजपा इन्हें ऐसा कतई करने नहीं देगी। हम नई रीति, नई नीति पर चल पड़े हैं। हमारी सरकार के दौरान देश के वीर सपूतों ने आतंकियों को घर में घुस करके मारा।